हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान के ऊपर लोग जो है कई बार भगवान के ऊपर एक मिसकंसेप्शन या गलत धारणा पैदा हो जाता है कि शायद भगवान हमारे पाप और पुण्य को ग्रहण करते हैं, किंतु भगवान किसी के पाप को भी ग्रहण नहीं करता है ना पुण्य को ग्रहण करते हैं। कृष्णा के पास हम पाप करके भी नहीं जा सकते हैं, पुण्य करके भी नहीं जा सकते हैं। हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी तब जा सकते हैं। जो बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि जो लोगों की सेवा करो भगवान की सेवा हो गई, मनुष्य की सेवा करो भगवान की सेवा हो गई, नहीं, ऐसे कृष्ण की सेवा नहीं होती। यहाँ तक कि देवता की सेवा करके भी कृष्ण की सेवा नहीं होती, प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती, परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट सेवा बड़ा है कि डायरेक्ट सेवा बड़ा है? कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं कहा है कि मेरा डायरेक्ट सेवा करो, प्रत्यक्ष सेवा करो, जिससे आपको शीघ्रातिशीघ्र लाभ होगा, है ना। तो फिर जब देवता की सेवा ही इनडायरेक्ट बताया है भगवान ने, जो देवता इतना महान है और कृष्ण की ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कृष्ण की सेवा में लगे हुए कृष्ण के भक्त है, तो फिर मनुष्य की सेवा करके कोई भगवान की सेवा कैसे हो सकता है? तो ये गलत धारणा है। मनुष्य की सेवा करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा, स्वर्ग जाने का द्वार आपका खुलेगा। जो मनुष्य की जैसे गरीबी में कुछ मदद कर दे या ऐसा कुछ ऐसा परोपकार का कार्य करें, लेकिन उस सेवा में जब तक आप कृष्ण को नहीं जोड़ेंगे वो कृष्ण की सेवा नहीं हुआ। जैसे साधारण एग्जांपल, गरीबों को आपने खिलाया तो पुण्य कमाया, लेकिन गरीबों को आपने कृष्ण प्रसाद खिलाया तो कृष्ण सेवा हो गया ना। तो उसी कार्य में बस हमें कृष्ण को ऐड करना है, यही बुद्धि कृष्ण भक्त जो है यूज़ करते हैं हर कार्य में, वो कृष्ण को बस ऐड कर देते हैं। कुछ घटाना नहीं है, जोड़ना है, किसको? कृष्ण को। कृष्ण ना पाप ग्रहण करते हैं ना पुण्य, किंतु सारे देहधारी जीव इसी अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु, विभु का अर्थ है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। भगवान श्री कृष्ण में सद ऐश्वर्य संपूर्ण है, वो सबसे अधिक ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी है, संपूर्ण धनी है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्यागी तपस्वी है वो, उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता है। और भगवान हमेशा आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। भगवान को ज़रूरत नहीं हम जो भोग अर्पण करते हैं, भगवान को क्या ज़रूरत है? भगवान की सेवा में तो अनंत कोटि लक्ष्मियाँ रेडी है, सिन लक्ष्मी की पूजा करते रहते लोग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो वो उदासी है कृष्ण की, वो कृष्ण के चरणों की सेवा करती है, तो कृष्ण को क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है कृष्ण को बाहर किसी भी या हमारी कोई भी उसके, लेकिन हमें ज़रूरत है क्योंकि हम उनके अंश हैं। और जब हमारी चेष्टा कृष्ण देखते हैं तो हम पर कृपा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण को हमारी परवाह नहीं है, बहुत परवाह है। सभी जीवात्माएं कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण को सबकी बहुत परवाह है, और इसीलिए बार बार इस भौतिक संसार में कृष्ण भेज देते हैं, खुद आते हैं नहीं तो भक्तों को भेज देते हैं पतित आत्माओं के उद्धार के लिए। भगवान कभी भी किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है।
तो कई लोग ये बातें बोलते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया है, भगवान हमें दुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास दुख नहीं है, भगवान के पास आनंद है। जिसके पास जो होता है वो वही देते हैं। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, कोई अन्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण हमें, हमारे लिए कोई परिस्थिति सृष्टि नहीं करते हैं। हम ही लोग जो है भौतिक इच्छाओं के कारण कर्म की श्रृंखला में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है और कर्म तथा फल की श्रृंखला शुरू हो जाती है। लेकिन भले ही कर्म की श्रृंखला शुरू हो गई, क्योंकि भगवान ने ऐसे सिस्टम करके रखा है, जो कृष्ण के शरण में नहीं आते तो जो भी वो करेंगे वो अपना ही कर्म का अपना ही फल मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण की शरण में आता है, कृष्णा के नाम लेने के कारण उसके समस्त कर्म श्रृंखला नष्ट हो जाती है और वो भगवत धाम जाने के अधिकारी बनता है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो भगवान किसी को दुख नहीं देते, इसलिए भगवान को हमें कभी नहीं कोसना चाहिए कि भगवान तुमने हमें इतना दुख दिया। भगवान कृष्ण किसी को दुख नहीं देते हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके अंश हैं। तो वो चाहते हैं, जैसे एक माता जो भटका हुआ बेटा का इंतज़ार में द्वार खोलकर बैठी रहती है ना, वैसे ही कृष्ण द्वार खोलकर हमारे लिए बैठे हैं कि कब मेरी तरफ मुड़ेगा, कब मेरी ओर आएगा ये जीवात्मा, ताकि मैं उसको खुश रख सकूँ। क्योंकि जब तक हम कृष्ण हम चाहते नहीं, हम कुछ और चाहते हैं, तो कृष्ण इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण प्लीज़ इंटरफेयर कीजिए मेरे जीवन में और जैसा आप चाहते हैं वैसा चलाइए, तो भगवान इंटरफेयर करते हैं। तो भी जो है जीव, जो है जीव पड़ा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। हम लोग ज्ञान से तो पूर्ण हैं, लेकिन सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हम हो ही जाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। जीवात्मा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है, और जीवात्मा कभी भगवान बन भी नहीं सकता है। भगवान विभु, विभु का मतलब है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, और जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। भगवान ने हमें रोबोट नहीं बनाया, इसलिए हमारी जो है इच्छा करने की शक्ति को नहीं छीना है भगवान ने। तो इसलिए हमें अपनी इच्छा पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम इस भौतिक संसार में ही भटकते रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। तो हमें भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो भगवान भगवान के सैंक्शन के बिना, बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। सही है ये बात, लेकिन भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दिया है ना, तो उस इच्छा शक्ति का अगर हम ही गलत उपयोग करते हैं तो भगवान को सैंक्शन करना पड़ता है। भगवान क्योंकि इच्छा पूर्ति पर इंटरफेरेंस नहीं करते ना, भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हो भी नहीं सकता है वो। किंतु भगवान इसके जो फल के लिए उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि ये हम ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को समझाते हैं, बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है। अब बेटा गलत ही करना चाहे तो माता पिता क्या कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद का जो पुत्र था, छोटा था बहुत, तो वो बहुत जिद कर रहा था। वो जो टेबल पंखा होता था ना, टेबल पंखा तो अभी भी है, तो टेबल पंखा चल रहा है इतना ज़ोर से, उसमें उसको उंगली डालना है। छोटा बच्चा को नहीं पता होता तो उसको उंगली डालना है उसमें। अब इतना माता ने डांटा, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, क्या करे। तो प्रभुपाद देख रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा रुको, मैं उसको उंगली डालने देता हूँ। तो प्रभुपाद ने पंखा का स्विच ऑफ किया, और जब एकदम धीमा हो गया ना पंखा, तो बोला बेटा अब उंगली डाल। तो बेटा ने उंगली डाला तो ठक करके, क्योंकि धीमा हो गया था इसलिए बस चोट लगा ना, अगर इतने तेज में वो उंगली डालता तो उंगली कट जाता है ना। तो इस तरह से माता पिता बोलते बेटा गलत मत कर, फिर भी वो गलत ही करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, छोटा बच्चा को तो नहीं पता है, लेकिन हम अज्ञान के कारण उस छोटे बच्चे के जैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भौतिक इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, और फिर कट जाते हैं, फिर दुख 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 कई जन्मों तक दुख 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 भुगतते रहते हैं। लेकिन अगर कृष्ण ने तो सब कुछ हमें भगवद गीता में उपदेश दे दिया है,
उन उपदेशों को पढ़कर श्रवण कर कर अगर हम अप्लाई कर लें तो जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, अज्ञान के कारण और अपने ही इच्छाओं के कारण नहीं करते हैं, तो हम दुखी रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं जीवात्माएं जो देहधारी जीवात्माएं हैं, और परिस्थिति जन्य शरीर अपने आप को जो है शरीर ही मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। जैसे आप अगर किसी फ्लावर गार्डन में गए हैं और फ्लावर एकदम आपके नाक के पास है, तो नाक के पास नहीं भी है भले ही, लेकिन थोड़े दूर में है, लेकिन आप फ्लावर गार्डन में है तो आपको कितना सुंदर सुगंध आएगा। तो इस प्रकार से है कि भगवान जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन परमात्मा रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि कब ये मेरी ओर मुड़ेगा। साक्षी पक्षी की तरह रहते हैं, जैसे एक ही वृक्ष में दो पक्षी है तो एक जो है फल खा रहा है और एक देख रहा है, तो भगवान हमारे साक्षी रूप में हमारे कार्यों को देख रहे हैं। कार्य क्या, हमारे एवरी थॉट्स एवरी भावना को देख रहे हैं, तो उन भावना को हमें शुद्ध करना है। तो इस तरह से भगवान क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते, वो हमारे इच्छाओं को समझते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, इसलिए हमें इच्छाओं पर काम करना है। कुछ अगर कार्य करना है तो हमें इच्छाओं पर करना है, हमें भौतिक इच्छाएं करना ही नहीं है, या कर भी रहे तो उसको धीरे धीरे कम करना, यही बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है भौतिक संसार में। इन्हीं मन के कारण, अपने ही मन की इच्छाओं के कारण हम दुख भुगत रहे हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान देते हैं, अगर आप कुछ इच्छा किया और योग्यता भी अर्जित किया है तो भगवान देते हैं, लेकिन हमें भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपन सोची हो तो नहीं प्रभु सोची तत्काल, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता है, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, निष्पक्ष है वो, मतलब वो सजेशन दिया है भागवत गीता में, लेकिन अगर कोई फिर भी नहीं मानता है तो भगवान इच्छाओं में व्यवधान भी नहीं लाते, नहीं तो रोबोट हो जाएगा ना। फिर इस वजह से कोई आपका दोस्त है या आप किसी के दोस्त है तो अगर इतना ही फोर्स करने लगेंगे तो एकदम गला जैसे किसी ने पकड़ लिया ऐसा फील होगा। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए हर रिलेशनशिप में, जैसे हमारे भौतिक रिलेशनशिप में, तो ही रिलेशनशिप अच्छा निपटता है। तो भगवान हमारे जो थोड़ा सा स्वतंत्रता है उसमें व्यवधान नहीं डालते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है कि कृष्णा आप मुझे आप चाहिए, जैसे अर्जुन ने इच्छा किया, अरे ठीक है आप कितना भी अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप अस्त्र उठाइए ना उठाइए मुझे परवाह नहीं है, कृष्ण मुझे तो आप ही चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम कृष्ण की इच्छा करते हैं तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो सदैव सुखी रहता है। तो आप देखिए, जैसे आजकल तो बहुत मॉडर्न ज़माना है, तो जैसे मान लीजिए अपने आप ही एक दूसरे को पसंद करके विवाह करने का भी प्रथा है, लेकिन किसी बच्चे ने अगर माता पिता को बोल दिया नहीं मम्मी पापा मैंने कोई किसी को नहीं ढूंढा, आप ही को ढूंढना है, तो माता पिता को और चिंता लग जाती है कि हमें इसको बेस्ट देना है, तो क्योंकि हमारे ऊपर ये डिपेंडेंट है ना, तो बेस्ट देना है, तो उसके लिए वो कितना प्रयास करते हैं, तो उनको चिंता भी लगी रहती है। और कल कुछ होता है रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में तो भी उनको चिंता होती है, हम इन्हें शादी करवाया था, है ना। तो भौतिक रिलेशन में भी ऐसा होता है। तो कृष्ण तो अंतर्यामी है और भौतिक जो माता पिता है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो भी जीवात्मा है, देहधारी जीवात्मा है, लेकिन कृष्ण परफेक्ट है। तो इसलिए जब हम सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं, कृष्ण पर डिपेंड हो जाते हैं, बस हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तो कृष्ण वो हर प्रकार से हमारे भलाई के लिए ही कृष्ण हर डिसीशंस लेते हैं हमारे जीवन में। और इसीलिए
कभी कभी अगर ऐसा लगे किसी को कि अरे ये तो प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें भी मंगल छिपा हुआ होता है, क्योंकि उसमें कृष्णा के ऊपर हम आश्रित होकर वो कार्य को संपन्न किया। इसलिए अतः वह वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषो ऊ हेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते, एष ऊ एव साधु कर्म कारयति यमधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। कौशितकी उपनिषद 3.8। तो भगवान हमारे इच्छाओं पर बाधा नहीं डालते हैं, और हमने इच्छा किया इसलिए भगवान स्वीकृति कर देते हैं, लेकिन अगर वो गलत इच्छा करेंगे तो नरक जाता है, सही इच्छा करते हैं तो वो ऊपर उठता है। हो सकता है उसने अगर पुण्य किया तो स्वर्ग जाएंगे। कृष्ण सेवा किए बिना कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो इसमें और एक श्लोका है, इसमें बताया गया है, अज्ञो जंतुरनिशोयम् आत्मना सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वाश्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वो स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल है। तो अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण ही इस मोह को उत्पन्न करता है कि मैं ये शरीर हूँ, फिर कुछ पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा तो नरक जाएगा। लेकिन कृष्ण भक्त ना पुण्य करता है ना पाप करता है, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहते हैं। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अविद्या क्या है? सबसे बड़ा अविद्या कि मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा अविद्या है। विद्या क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहा गया है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। कुछ भी होता है तो बहुत सारे लोग हैं कि भगवान को कोसते हैं, भगवान को ही दोष देते हैं, मेरे ये दुख के लिए तू ही कारण है भगवान, ऐसा। लेकिन भगवान उत्तरदायी नहीं है, एक्चुअली हम ही उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं, वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा लगता है लेकिन भगवान सबके लिए संभव है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।